भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है, इस बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार दिया है। इस फैसले के 27 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा और 15,000 का जुर्माना भी लगाया। इसके कुछ देर बाद उसी कोर्ट में उन्हें 30 दिन के लिए जमानत दे दी गई है। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे। राहुल ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उनके वकील के मुताबिक राहुल ने कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी, मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। उधर कोर्ट के बाहर विधायक और याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी और उनके समर्थकों ने भारत माता की जय जय श्री राम के नारे लगाए। सजा के बाद राहुल बोले, सत्य मेरा भगवान है। राहुल पर पिछले 4 साल से मानहानि का मामला चल रहा है। कोर्ट ने 17 मार्च को इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। आपको बता दें कि कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ वो भी हम आपको बता देते हैं। कम से कम सजा दी जाए, वहीं बचाव पक्ष के वकील ने ये बात रखी है कि जज ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए पूछा कि क्या वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। उस पर राहुल ने कहा कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहते हैं लेकिन जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं कहा है। राहुल ने जो बात कही थी उसमें किसी को हानि नहीं हुई है, तो कम से कम सजा दी जाए। वही अभियोग के पक्ष ने वकील ने रखा कि वही वकील ने कहा कि राहुल गांधी सांसद हैं तो लोग कानून बनाते हैं, वही तोड़ेंगे तो उनका समाज में क्या संदेश जाएगा, इसलिए उन्हें अधिकतम सजा दी जाए। वहीं आईपीसी की धारा 500 में दोषी करार राहुल को आईपीसी की धारा 400 और 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। और राहुल के वकील ने कोर्ट से कहा कि इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ है, इससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है किसी को, इसलिए हम किसी प्रकार की दया याचना नहीं करेंगे। वहीं बड़ा सवाल एक हम आपको और बता दें कि क्या राहुल की गांधी की संसद सदस्यता जा सकती है, तो जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालतों में 2 साल या उससे ज़्यादा की सजा पर पाए जनप्रतिनिधियों की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सांसद या विधायक सजा को ऊपरी अदालत में चैलेंज करेंगे उन पर सदस्यता रद्द होने का आदेश लागू नहीं होगा। राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। उनके वकील ने कोर्ट में कहा, हम फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, हायर कोर्ट में अपील करने के लिए राहुल गांधी के पास 30 दिन का वक्त है। आपको बता दें कि पूरा वाक्य इस वक्त राहुल गांधी लगातार चर्चा में विषय में बने हुए हैं और उन्हें 2 साल की सजा भी सुनाई गई, हालांकि उन्हें जमानत दे दी गई है। अब 30 दिन की जमानत दी गई है, इस बीच वो अपना कोई पक्ष रखते हैं या क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं वो देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। वहीं लेकिन दूसरी तरफ एक और जो पार्टियां हैं उनमें काफ़ी उल्लास देखने को मिल रहा है। बाहर जय श्री राम और सत्य की जीत भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं।